भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। करसोग की पंचायत सोरता के रहने वाले हरीश कुमार द्वारा अपनी कलाकारी से बनाए गए बेहतरीन बांस के मंदिर, बेड़े, प्राचीन इमारतें जैसे महामाया मंदिर पांगणा, भीमा काली मंदिर सराहन, कामाक्षा मंदिर काओ, ममलेश्वर मंदिर मुमेर, घंटा घर मंडी व अयोध्या राम मंदिर आदि मॉडल इन दिनों लोगों की चर्चा का विषय बने हैं। लोगों द्वारा इन्हें काफी पसंद किया जा रहा है। बता दें कि हरीश कुमार 50 वर्ष के हो चुके हैं और ये 1995 से ये काम करते आ रहे हैं, परंतु 2003 में ये काम इन्होंने पूर्ण रूप से छोड़ दिया था, जिसका कारण इनका खराब स्वास्थ्य है व गरीबी थी। बता दें हरीश कुमार 29 सालों से मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन इसके बाद भी हरीश कुमार बेहतरीन कलाकारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकल फॉर वोकल पर संदेश सुना, जिससे उन्होंने अपनी कला को फिर से जागृत करने का मन बनाया, जिसमें इनका सहयोग ओम प्रकाश ठाकुर बागवान, भोलादत्त समाज सेवी चेतराम ठाकुर कंडक्टर HRTC, इंद्र सिंह ओमादत्त प्रधान युवक मंडल बडार, लाला राम उप प्रधान ग्राम पंचायत सोरता, ठाकुर दास बागवान व युवा ललित कुमार ने किया। हरीश कुमार ने बताया कि उनके द्वारा बनाए गए सभी मॉडल इको फ्रेंडली हैं व इन मॉडलों को लोग अपने घरों में सजावट के तौर पर रखने के लिए ले जा सकते हैं या किसी को उपहार स्वरूप भी दे सकते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम हरीश ठाकुर, ग्राम पंचायत सोरता का रहने वाला हूँ। मैं हस्तशिल्पी हूँ। मैं बांस की खपचियों द्वारा मंदिर, बेड़े, प्राचीन व आधुनिक इमारतों के मॉडल बनाता हूँ। मैंने 1995 से 2003 तक हस्तशिल्प का काम किया। उसके बाद मैंने यह काम छोड़ दिया, जिसका मुख्य कारण मेरा खराब स्वास्थ्य व मॉडल के अच्छे दाम नहीं मिलते थे, जिसके कारण मेरे भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मैंने मजदूरी करना शुरू किया। कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री जी का लोकल फॉर वोकल पर संदेश सुना, जिससे मुझे उम्मीद की किरण जागी। मैंने स्थानीय लोगों से काम शुरू करने के विषय में बात की, जिसमें उन्होंने रुचि दिखाई। मेरे मित्र श्री चेतराम ठाकुर व भोलादत्त जी ने प्रोत्साहित किया व साथ ही स्थानीय युवाओं ने प्रोत्साहित किया। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरे बनाए इन मॉडल को खरीदें, चाहे आप इन्हें घर में सजावट के लिए रखें या फिर किसी को उपहार स्वरूप भेंट करें। मेरे बनाए गए मॉडल इको फ्रेंडली है। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 29 वर्षों से मानसिक रोग से पीड़ित हूं और उपचाराधीन हूं। मैं चाहता हूं मेरे बनाए गए मॉडल लोग खरीदें, ताकि मैं अपनी कला को अपना रोजगार बना सकूं। उम्मीद है आप लोग मेरा इसमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ललित कुमार। मैं पेशे से अभी स्टूडेंट हूँ और मैं ग्राम पंचायत सोरता का निवासी हूँ। और हमारे पंचायत में, हमारे गांव में एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि अपने हाथों से बांस के मंदिर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। जो भी मतलब कि फोन में फोटो खींचने के बाद उन्हें वो दिखा दें तो वो कुछ भी बना सकते हैं। उनका नाम श्री हरीश ठाकुर जी हैं और वो पेशे से किसानी है और उनकी आर्थिक व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं यह लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनको बढ़ावा दे और जो उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचाए कि हमारे गाँव में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि ऐसे मकान बनाते हैं और
वो ऐसे मंदिरों का मंदिर बनाते हैं और उनको लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो और लोग भी इनको खरीद सके और उनको बढ़ावा मिले, उनके कार्य में बढ़ावा मिले। और एक दिन मैं भी, मुझे भी यह जानकारी नहीं थी कि हमारे गांव में भी ऐसे व्यक्ति हैं, तो मैंने भी और लोगों से सुना था। और एक दिन मैं स्वयं उनके घर गया तो मैंने वहां पर देखा कि वो तो सचमुच ही खुद अपने हाथों से ऐसे बनाते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी एक ले लूं, और मैंने भी एक ले लिया। और फिर एक मेरे दोस्त का बर्थडे भी आने वाला था तो मैं यह सोचने लगा कि मैं अपने दोस्त को क्या गिफ्ट लूं। तो मेरे मन में यह विचार आया क्यों ना मैं अपने दोस्त को भी मंदिर ही गिफ्ट कर दूं। तो मैंने उनसे एक और मंदिर ले लिया और अपने दोस्त को गिफ्ट किया, और मेरा दोस्त भी बहुत खुश हो गया कि यह क्या है। और तब मैंने उसको भी बताया तो वो भी, और मेरा दोस्त भी वहाँ गया और उसने भी एक और खरीद लिया, क्योंकि यह तो इतना अच्छा है कि कोई भी खरीद सकता है। तो मैं यह सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ सभी लोगों से, सभी युवाओं से, कि वह भी इसे खरीदें ताकि उनको भी बढ़ावा मिल सके और लोग भी ऐसी कलाकारी को देख सके और लोकल फॉर वोकल, मतलब कि अपनी ही चीज़ें अपने तक ही, मतलब कि यहीं पर बनाओ और यहीं पर खरीदो तो ऐसा अच्छा हो। और मैं यह ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि और उनकी चीज़ों को खरीदे क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। मैं तभी बोल रहा हूँ ताकि आगे आगे मीडिया तक पहुँचाओ यह बात कि ऐसे भी हैं। और मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वह यह न्यूज़ लोग और लोगों तक पहुँचाए, बड़ी बड़ी न्यूज़ तक जाए, CM जी तक जाए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाए। और अंत में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे देश में जो महामारी आई है कोरोना वायरस, इसके लिए भी एकजुट हो और मास्क पहने, सभी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। मैं चेतराम ठाकुर ग्राम पंचायत सोरता का रहने वाला हूँ। तो हमारे गांव में एक ट्रस्ट का हरीश ठाकुर जी, जिन्होंने मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट या कोई इमारत जिसकी भी फोटो इसके सामने आ जाए उसकी फोटो बांस की लकड़ी द्वारा बनवाई जाती है या बनवाता है। तो हमने एक संदेश आदमीय मोदी जी के रेडियो प्रसारण या टीवी प्रसारण में सुना जिसका नाम दिया गया लोकल फॉर वोकल। तो इस काश्तकार ने वो संदेश सुना और थोड़ा जागरूक हुआ कि क्यों ना मैं भी लोकल फॉर वोकल का कार्य करना शुरू कर दूं। तो इस काश्तकार ने एक माँ माया मंदिर पांगना, जो ऐतिहासिक काल में राजाओं के टाइम का एक मंदिर स्थापित किया गया था या बनवाया गया है, बनवाया जिसको मैंने पसंद किया। मैं इस मंदिर को देखा, मैंने देखा तो ये बहुत अच्छा मंदिर बनवाया है इसमें। तो मैंने सोचा कि इसमें इस कलाकार ने पता नहीं कितना का टाइम लगाया होगा, छोटी छोटी बांस की लकड़ी काट काट करके, तो 4-5 मंजिला जो मंदिर है ये मंदिर बनवाया। इसको बनवाने के लिए तो मेरे दिमाग से तो इसने पता नहीं कितना समय लगा होगा, बारीकी काम है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी इसे प्रोत्साहित किया और मैंने इस मंदिर को खरीदा। काम तो इसके अच्छे नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि अगर हम इस चीज़ को अगर खरीदना चाहें तो क्यों ना दुनिया या कोई लोग और लोग इस चीज़ को पसंद करें, तो हम इस चीज़ को प्रसारित करना चाह रहे हैं मीडिया में, चैनलों में, फोटो दिखाई जा रही है, फोटो भिजवाई जा रही है। तो बाकी नंबर दो दूसरा मंदिर एक हिमाकली मंदिर शाम से शिमला डिस्ट्रिक्ट के शाम में जूरी के मंदिर के पास में शिमला डिस्ट्रिक्ट बनता है, उसके जूरी नाम शाम के पास शाहान मंदिर है, शाहान में एक मंदिर है हिमाकली का मंदिर। हम ये तुलना नहीं कर सकते कि ये मंदिर किसी बड़े वैज्ञानिक के द्वारा या किसी बड़े कलाकार ने बनवाई है या किसी शिल्पकार ने, देखा जाता है अगर इस फोटो को उस फोटो से मिलवाया जाए सामने से देखा जाए
उस फोटो के साथ तुलना की जाए या उस मंदिर के साथ तुलना की जाए तो कोई भी एक इंच का फर्क नहीं होगा। जो कलाकारी उस मंदिर में की गई होगी वही कलाकारी सरकार ने अपने हाथों द्वारा जो मेहमान ने प्रशासन से या सी एम से निवेदन करता हूँ कि क्योंकि इस कलाकारी का जो अपने हाथों से बनवा रहा है या बनवाने जा रहा है एक गरीब घराने से है ये हस्तकार। हमने थोड़ा सपोर्ट किया क्योंकि फिर हमने प्रपोज किया कि यार मंदिर बना दे हिंदू भी मंदिर बना दे, तो मैंने एक भीमाकाली मंदिर और एक ये माँ माया मंदिर पांगना का मंदिर खींचा है जिसको देख के मैंने अपनी फोटो या अपना जो प्रसारण है ये वीडियो में वीडियो बनवाई है जिसे हम चाहते हैं कि इस हस्तकार का कोई या तो सरकार सपोर्ट करे या फिर इसे कोई कहीं अन्य जगह में जगह दी जाए और या फिर लोकल फॉर वोकल का जो संदेश दुनिया में चला है या टीवी प्रसारणों में चैनलों में चला है इस कलाकार का मनोबल बढ़वाया जाए या इन मंदिरों की या इन बिल्डिंगों की या रेस्टोरेंटों की। सुनने में आता कि राम मंदिर अयोध्या का जो राम मंदिर है अगर आप उसकी फोटो इसके हस्तकार के सामने रख दी जाए उस फोटो को भी आपके समक्ष में हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए करसोग से दिनेश कुमार। या तो रख सारा अभिमान पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।